हेलो फ्रेंड्स, जेकेडा की ऑफिशियल आंसर की को जब मैंने अपने जो सॉल्व पेपर के वीडियोस थे उनसे कंपेयर किया तो टोटल 6 क्वेश्चंस के आंसर मिसमैच हुए हैं। 6 में से 3 क्वेश्चन तो जेकेडा की आंसर की में 100% गलत हैं और मेरे वाले जो आंसर थे वो सही हैं, या तो उन क्वेश्चंस को ही गलत कर दो। और एक क्वेश्चन में अभी भी थोड़ा सा डाउट है मेरे पास, उसके लिए प्रूफ है कि मेरा वाला आंसर सही है और जेकेडा वालों के आंसर की वाला आंसर गलत है। तो 4 क्वेश्चंस के लिए तो मेरे पास प्रूफ है कि जेकेडा के आंसर के गलत है और मेरे ठीक हैं। 2 क्वेश्चंस पे मैं मानता हूँ कि वो मेरी तरफ से गलती थी, वो मेरे आंसर गलत हो सकते हैं। तो पूरी आंसर की में 2 ही क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो आई थिंक इतना तो बनता है, ठीक है। ओके, जो गलत है क्वेश्चन 100% वो है क्वेश्चन नंबर 3। ये सेट डी के क्वेश्चन है, आप कॉरेस्पॉन्डिंग अपना क्वेश्चन जो है वो आंसर की से आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 था मॉडल्स वाला, ठीक है। इसका आंसर उन्होंने डी दिया है, ये गलत है क्योंकि ए ऑप्शन उसमें इनकरेक्ट है। 71st वाला, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री पे होती है। 11th क्लास की NCERT का क्वेश्चन है, 11th क्लास की NCERT का PDF डाउनलोड करो, वो वाला पेज सर्च करो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी, उसको अटैच करके तो रिप्रेजेंटेशन करो। 92nd क्वेश्चन, लेंथ ऑफ अ लिंक इन 30 मीटर चेन अकॉर्डिंग टू IS कोड, ठीक है। ये IS कोड है 1492 1970, उसका पेज नंबर 5, उस पर फिगर बनी है 1, उसमें साफ साफ लिखा है, फिगर में दिखाया हुआ है 20 सेंटीमीटर का एक लिंक की लेंथ होती है, ठीक है। आपने भी चेन यूज़ की होगी, मैंने भी चेन यूज़ की है अपने कॉलेज में, 20 सेंटीमीटर की लिंक की लेंथ होती है। वहाँ पे करेक्ट आंसर ए दिया है 30 सेंटीमीटर, वो बिल्कुल गलत है। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री पे होती है, क्वेश्चन नंबर 71 में 0 डिग्री आंसर दिया है, वो बिल्कुल गलत है, 4 डिग्री पे ही होती है। 11th क्लास की NCERT उसका प्रूफ होगी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, ठीक है। ये आपका पेपर है, ये आपकी जंग है, आपको रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। जिन्होंने 4 डिग्री करेक्ट आंसर मार्क किए हैं, ठीक है, जिन्होंने बाय चांस गलती से 0 ही लगाया था तो वो तो रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसका प्रूफ मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, कोई भी बुक खोल लो, ठीक है, विकीपीडिया का पेज खोल लो, सब जगह लिखा है। इन जनरल तो मॉडल प्रोटोटाइप्स स्मॉल होते हैं, लास्ट लाइन पे इस ये जो पिक्चर है लास्ट लाइन देखो, मोस्टली द मॉडल्स आर मच स्मॉलर देन कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोटोटाइप्स, बट इन सम केसेस वो प्रोटोटाइप से बड़े हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन था, मॉडल्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन प्रोटोटाइप, ऑलवेज स्मॉलर वाला वो वहीं पे ए पार्ट गलत हो गया, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फाइंड करना था, तो ए पार्ट तो गलत है ही है, उन्होंने आंसर डी दिया। अब डी गलत हो या नहीं हो, ए पार्ट तो गलत है ही है, तो इस क्वेश्चन को ही रॉन्ग करना पड़ेगा उन्हें, या तो आंसर चेंज करेंगे या इस क्वेश्चन को डिलीट करेंगे, ठीक है। ये बुक है, ये बुक के पहले फर्स्ट पेज और जहाँ पे वो डाटा लिखा हो, ये 2 पेज अटैच करने होते हैं जनरली आपने प्रूफ में, उनका काम है फिर बुक खरीदना और ढूंढना। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी जब रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखा है कि ऑनलाइन ही होगी, अभी उसके लिए कोई पोर्टल उन्होंने एस्टैब्लिश किया नहीं है। अगर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन आती है तो इसमें कमेंट कर दीजिए वीडियो में कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो ये मॉडल्स वाला क्वेश्चन भी गलत है, ये 0 डिग्री वाला क्वेश्चन 100% गलत है, 30 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन 100% गलत है। उसके बाद जो एक क्वेश्चन जिसमें अभी भी थोड़ा डाउट है वो क्वेश्चन नंबर 79, इसमें उन्होंने वो पूछा था मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK, वो तो IS कोड 456 में लिखा है, बिल्कुल सही है। लेकिन IS कोड 456 इस बारे में साइलेंट है कि ये टेंजेंट मॉडल्स है, ये सीकेंट मॉडल्स, ठीक है। मेरे पास जो प्रूफ है, एक ही जैन की बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, इसमें से बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी होते हैं IAS IES के पेपर में, तो आप इस पे बिलीव कर सकते हो। इस बुक ने ये साफ साफ लिखा है, ये पिक्चर में आप पढ़ लो, ठीक है। मैंने अंडरलाइन किया, द इनिशियल टेंजेंट मॉडल्स ऑफ द कंक्रीट विच इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ओरिजन शोन इन फिगर 4.9 इज गिवन एस, जो तो ये इक्वेशन है EC इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK, इस इक्वेशन में EC इनिशियल टेंजेंट मॉडल्स है, तो टेंजेंट मॉडल्स वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। लेकिन इस पे ऐसे भी सोर्स हैं जहाँ पे लिखा है कि ये सीकेंड मॉडल्स भी जनरली यूज़ करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि पुराने वर्किंग स्टेट्स मेथड में सीकेंड मॉडल्स यूज़ करते थे, और नए मॉडल्स में, नए IS कोड में, लिमिट स्टेट मेथड में टेंजेंट मॉडल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तब EC की वैल्यू 4500 अंडर रूट FCK होती थी, अब 5000 हो गई है, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन के लिए भी मेरे पास प्रूफ है, 2 क्वेश्चन जो मेरे गलत हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 39, उसमें मैंने बोला था कि मैं अज्यूम करूँ कि ये सारे जॉइंट फिक्स्ड हैं, लेकिन उनमें 2 छोटे छोटे डॉट्स बने थे, और वो दोनों छोटे छोटे डॉट जो हैं वो हिंज है, और अगर मैं उन्हें हिंज मानता हूँ तो ये फोर्सेज जो हैं 6 नंबर ऑफ फोर्सेज काम हो जाती हैं, 2 इक्विलिब्रियम कंडीशन काम हो जाती हैं, 6-2 4 स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी 4 यूनिट्स काम हो जाती है, तो 9-4 5 आंसर है, ठीक है। अब उन दोनों को हिंज उन्होंने मान के 5 आंसर निकाला है, उन्हें लिखना चाहिए था कि वो 2 छोटे डॉट हिंज हैं, ठीक है, ऐसे थोड़ी आइडिया लग जाता है इतने छोटे डॉट से, पर चलो इसमें अब आपकी रिप्रेजेंटेशन से कुछ नहीं होने वाला, इसका आंसर 5 ही होगा, ठीक है। और दूसरा अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट, ये ऐसे गलत हो गया कि वहाँ पे लिखा था इनमें से कौन सा स्ट्रिक्टली एक मेथड नहीं है रिमोट सेंसिंग का, ठीक है। अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग करती है, लेकिन वो खुद मेथड नहीं है, उसमें दूसरी टेक्नोलॉजी जैसे रडार, लीडार, ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, वो टेक्नोलॉजी को मेथड का नाम आना था।
अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट उन मेथड्स की एक एप्लीकेशन हो गई, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, लेकिन उसका जब मैंने सर्च किया है गूगल पे तो वहाँ पे भी स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी रिमोट सेंसिंग की जा सकती है, ऐसे आर्टिकल्स भी मिले। तो ये इसलिए गलत हो गया है क्योंकि अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट वो करती तो रिमोट सेंसिंग है, बिना अर्थ के कंटेक्ट में आए हम अर्थ के रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, मेटल रिसोर्सेज, कोल ओर्स, इन सब की क्वांटिटी मेजर कर लेते हैं इन रिसोर्स सैटेलाइट से, ये आइडिया लगा लेते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा रिसोर्स है, हमारे ग्लेशियर रिसीड कर रहे हैं, हमारे रिवर्स में कितना डिस्चार्ज है, वो सब काम करती है अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट बिना अर्थ के कंटेक्ट में आए, उसी को कहते हैं रिमोट सेंसिंग। लेकिन अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट उस मेथड या टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है, ठीक है, वो तो सैटेलाइट का नाम है। तो इस वजह से 53rd क्वेश्चन डी सेट में अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिमोट सेंसिंग मेथड स्ट्रिक्टली, उसका आंसर सी अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट है, मैंने डी स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला था, ठीक है। ये दो क्वेश्चन गलत हुए हैं और इन चार को रिप्रेजेंट करना है जब भी रिप्रेजेंटेशन का कुछ वो फर्दर हमें लिंक या प्रोसीजर देंगे। थैंक यू।